हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर रोहन मक्ता। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ अहमदाबाद गुजरात से। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ऑर्थो सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ज़रूरी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। काफ़ी मरीज हमको पूछते हैं कि हमारे घुटने में पानी भर गया है तो किन कारणों से भरता है, तो उसके कई कारण हैं। ये वीडियो में हम सभी कारणों के बारे में वन बाय वन बात करेंगे। तो सबसे पहला कारण है चोट लगना, जिसको हम पोस्ट ट्रॉमेटिक स्वेलिंग कहते हैं। अगर आपको कोई चोट लगी है, जैसे कि रोड पे एक्सीडेंट हुआ है, सीढ़ी चढ़ने उतरने के टाइम घुटना ट्विस्ट हो गया है, ज़मीन पे बैठ के खड़े होने के टाइम पे कोई ट्विस्टिंग इंजरी हो गई है, रनिंग, वॉकिंग, डांस, ऐसे कोई एक्टिविटी में अगर कोई इंजरी हुई है तो उसके बाद घुटने में स्वेलिंग आ सकती है और पानी भर सकता है। तो अगर ऐसी कोई चोट आपको लगी है तो आपको डॉक्टर के कंसल्ट करके ज़रूर पड़ने पर एक्सरे, सोनोग्राफी या फिर MRI करवाना चाहिए। तो ये था पहला कारण। दूसरा कारण है घुटने में गादी का फटना। हमारे घुटनों में दो हड्डी होती है, जैसे आप पीछे फोटो में देख सकते हो। दोनों हड्डी के बीच में एक कुशन होता है, जिसको हम गादी या फिर मेडिकल लैंग्वेज में मेनिस्कस कहते हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र होने लगती है, ये गादी फटने लगती है, घिसने लगती है। काफ़ी बार छोटी उम्र में भी चोट लगने पे गादी फट जाती है, जिसको मेनिस्कस टेयर कहा जाता है। और गादी फटने पे घुटने के अंदर इरिटेशन होता है, अंदर इरिटेशन के कारण पानी भरने लगता है, सूजन आती है, इन्फ्लामेशन होता है, जिसको हम साइनोवाइटिस कहते हैं। और ये पानी भरता जाता है और एक टाइम ऐसा आता है कि घुटना काफ़ी फूल जाता है। तो ये मेनिस्कस टेयर है, वो कैसे पता चले? तो उसके लिए MRI करवाना पड़ता है, और MRI में हमको पता चलता है मेनिस्कस टेयर है या नहीं। तीसरे नंबर पे आता है लूज़ बॉडी। लूज़ बॉडी, जैसे आप पीछे फोटो में देख सकते हो, घुटनों के अंदर एक हड्डी का या फिर कार्टिलेज का पीस होता है, जो घुटने के अंदर घूमता रहता है। और वो लूज़ बॉडी के कारण रिपीटेड अंदर इरिटेशन होता है और फ्लूड कलेक्ट होने लगता है, और जिसको हम रिकरेंट साइनोवाइटिस कहते हैं। लूज़ बॉडी हमको एक्सरे में या फिर MRI में दिखती है, और लूज़ बॉडी है तो उसको दूरबीन के द्वारा ऑपरेशन करके निकाला जाता है। चौथे नंबर का कारण है घुटने का घिसारा, जोड़ों का घिसारा, जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस हमारी कंट्री में एक बहुत कॉमन कंडीशन है। 50, 55 या फिर 60 साल की उम्र के बाद उम्र के कारण जोड़ों में घिसारा होता है, वो रफ होने लगते हैं। रफनेस के कारण जोड़ घिसते हैं, और फ्रिक्शन को कम करने के लिए बॉडी की एक रिएक्टिव मैकेनिज्म होती है, जिसमें पानी भरने लगता है लुब्रिकेशन के लिए। वो पानी इतना भरता है कि हमारा जोड़ फूला हुआ लगता है, जिसको हम साइनोवियल इफ्यूजन कहते हैं। पांचवें नंबर का कारण है घुटने में कोई इन्फेक्शन हुआ है। तो अगर घुटने में आपको कोई चोट लगी है, घुटने में चोट नहीं भी लगी है लेकिन बॉडी में किसी और पार्ट में इन्फेक्शन, जैसे कि दांत में, पेट में, यूरिन में, तो वो इन्फेक्शन के बैक्टीरिया घूम के घुटने के अंदर आके सेटल हो सकते हैं और वहाँ पर इन्फेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ब्लड टेस्ट करवाने चाहिए या फिर वहाँ की सोनोग्राफी करवानी चाहिए, उस पर हमको मालूम पड़ता है इन्फेक्शन है या नहीं। उसके बाद का कारण है ट्यूबरक्यूलोसिस, वो भी एक टाइप का इन्फेक्शन ही है, लेकिन इंडिया में TB यानी कि ट्यूबरक्यूलोसिस एक बहुत कॉमन कंडीशन है, स्पेशली यंग बच्चों में या फिर बड़ी उम्र में भी, जिसकी बॉडी में न्यूट्रिशन बहुत कम है, इम्यूनिटी बहुत लो है, रोग प्रतिकारक शक्ति कम होने पर TB एक्टिवेट हो सकता है। TB अगर है तो उसके लिए स्पेशल भारत सरकार द्वारा उसकी फ्री ट्रीटमेंट दी जाती है, उसका कोर्स कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद का कारण है संधिवा, गठियावा या फिर जिसको हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जॉइंट के अंदर साइनोवाइटिस नाम की कंडीशन होती है, वो इन्फ्लामेशन के कारण अंदर टिश्यू इकट्ठा होने लगता है और वो जॉइंट को डैमेज करने लगता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए ब्लड टेस्ट करवाना पड़ता है, जिसमें RA फैक्टर और NT-CCP नाम के ब्लड टेस्ट से कन्फर्म होता है कि रूमेटॉइड है या नहीं। काफ़ी कबार ब्लड टेस्ट नेगेटिव भी आते हैं, जिसको हम सीरो नेगेटिव आर्थराइटिस कहते हैं या फिर इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस कहते हैं। ऐसे केस में रूमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर को कंसल्ट करके उसकी स्पेशल मेडिसिन स्टार्ट करनी होती है, जो लंबे समय तक लेनी पड़ सकती है, उससे ये इन्फ्लामेशन और फ्लूड कलेक्शन और पानी भरना कम होता है। उसके बाद का कारण है गाउट या फिर हाई यूरिक एसिड। यूरिक एसिड एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बॉडी के अंदर यूरिक एसिड नाम का केमिकल बढ़ने लगता है और जॉइंट के अंदर इन्फ्लामेशन होता है। यूरिक एसिड बढ़ने में पाँव के पंजों में भी दर्द आ सकता है, अंगूठे में भी दर्द आ सकता है, लेकिन काफ़ी कबार ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ अंगूठे में दर्द हो,
हमारे हाथ, कोहनी या फिर घुटने में भी दर्द आ सकता है और पानी भर सकता है। तो अगर ऐसा है तो आपको ब्लड टेस्ट करवा के यूरिक एसिड चेक करवाना चाहिए। ये जो पानी भरने की कंडीशन है उसको हम साइनोवाइटिस कहते हैं, और उसके लिए कुछ रिपोर्ट्स करवाना बहुत ज़रूरी है, जिसके बारे में हम इस वीडियो के अगले पार्ट में बात करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप हमें नीचे लिख के भेज सकते हो। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उसमें आप हमें ऑनलाइन कंसल्ट भी कर सकते हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।